Hello everyone, welcome to chapter number 7, Graphics and Symbols in Flash. Myself Preeti Godha welcomes you to the video part 1. So in the Flash, last chapter we saw that how can we use this Flash. In the Flash, if we are drawing something with a pencil, then the boundary which appears here is called as the stroke, and the color which is filled here in this shape is called as the fill color. So the stroke color and the fill color appears from the property panel. In this property panel, we will have this stroke color and fill color. Look, the stroke color is appearing as orange. We can choose and change it with the help of this pencil. And the change color is, fill color is appearing as none, because we had not filled anything in this shape. So the boundary is called as the stroke, and the boundary color is called as the stroke color. And the color which is filled inside this drawing is called as the fill color. Then if we are drawing something, then here, look, the rectangle and the oval is drawn here. The rectangle stroke color is orange, shown here, and the fill color is yellow, which is shown here. So we can say that in both the shapes, we are having the boundary color, stroke color is orange, and this fill color is yellow. In this shape also, we have the stroke color as orange, and the fill color is green. Look here, the stroke color is orange and the fill color is green. When we are drawing something with the help of the paint tool, then we have only fill color. We don't have any boundary here, so we can say that we don't have any stroke color. Only we have the boundary color. जब आप किसी पेंट टूल से कोई चीज ड्रॉ करते हो तो उसमें कभी भी बाउंड्रीज नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिल कलर मिलता है, बाउंड्री कलर नहीं मिलता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे फिल एंड स्ट्रॉक कलर के अंदर जो आपका बाउंड्री कलर है उसके अंदर नन, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, और जो फिल कलर है उसका कलर पर्पल शो कर रखा है. देन ड्रॉइंग इन अ फ्लैश. द ड्रॉइंग इन अ फ्लैश दैट मीन्स इन दिस वी कैन क्रिएट द लाइट वेट वेक्टर ग्राफिक्स. हम यहाँ पर किसी भी लाइन शेप्स को बना सकते हैं विद अ लाइटवेट वेक्टर ग्राफिक्स. इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लैश प्रोफेशनल क्रिएट्स आर्टवर्क एंड हाउ ड्रॉइंग, पेंटिंग एंड मॉडिफाइंग शेप्स कैन बी अफेक्टेड अदर शेप्स इन द सेम एरिया. यहाँ पर अगर हम कोई वेक्टर ड्रॉइंग बनाते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारा आर्टवर्क कैसा बन रहा है, कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, या किसी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफिक्स. पहला ग्राफिक होता है वेक्टर ग्राफिक, दूसरा होता है बिटमैप ग्राफिक. तो वेक्टर ग्राफिक्स व्हाट इट मींस, वेक्टर ग्राफिक्स जो आपकी इमेजेस को बनाकर लाइंस और कर्व्स के फॉर्म में बनाता है, किसी भी इमेज को लाइंस या कर्व्स के फॉर्म में बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्टर ग्राफिक्स, जिसके अंदर कलर और पोजिशन प्रॉपर्टीज होती है. रिमेंबर दिस पॉइंट, वेक्टर ग्राफिक्स किसी भी इमेज को लाइंस और कर्व्स के थ्रू बनाता है और हमेशा उसके अंदर उसका कलर और पोजिशन प्रॉपर्टीज को शो करता है. When you edit a vector graphic, you can modify the properties of the lines and the curves that describe the unit shape. यहाँ जो आपने position properties देखी थी, आप इसको modify कर सकते हो. Vector graphics के अंदर आप यहाँ पर color भी change कर सकते हो, properties भी modify कर सकते हो. और vector graphics को जब भी आप किसी output device पे display करना चाहते हो, show करना चाहते हो, तो उसकी जो resolution है, कभी भी उसकी quality degrade नहीं होगी. मतलब हमेशा जिस क्वालिटी में, जिस रिजोल्यूशन में आपने ग्राफिक्स को सेव किया है, उसी क्वालिटी के अंदर आपको ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस पर दिखेगा. दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वेक्टर ग्राफिक्स. नाउ बिटमैप ग्राफिक्स. बिटमैप ग्राफिक्स डिस्क्राइब इमेजेस यूजिंग कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स अरेंज्ड इन अ ग्रिड. जब भी आप कोई बिटमैप ग्राफिक बनाते हो तो वहां पर जो आपकी इमेजेस बनती है वो हमेशा एक 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 डॉट्स से मिलकर बनती है. यहाँ पर लाइंस और कर्व्स से बन रही थी, यहाँ पर डॉट्स से मिलकर बन रही है, और जिन डॉट्स को हम पिक्सल्स बोलते हैं, और जो डॉट्स अरेंज होते हैं वो ग्रिड फॉर्म में अरेंज होते हैं. ग्रिड फॉर्म मतलब कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं. यहाँ पर हम किसी भी बिटमैप ग्राफिक को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमें उसके पिक्सल्स को मॉडिफाई करना होगा, पिक्सल्स को चेंज करना होगा. यहाँ पर हमने लाइन की या फिर कर्व्स की प्रॉपर्टीज को चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर लाइन्स और कर्व्स नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ डॉट्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, तो हमें पिक्सल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना होता है. और जब भी हम किसी बिटमैप ग्राफिक को किसी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करते हैं तो उसके जो रिजोल्यूशन है वो डिग्रेड हो जाते हैं. दैट मीन्स जो आपकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है. आपकी पिक्चर क्वालिटी
थोड़ी सी जो हायर रिजोल्यूशन में आपने बनाई थी उससे डिग्रेड हो जाती है, आपको एग्जैक्ट क्वालिटी का पिक्चर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस रिजोल्यूशन में आपने पिक्चर सेव किया था उसी क्वालिटी में आपको आउटपुट डिवाइस पर दिखाता, लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन आपके डिक्रीज हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, तो जो इमेज की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर ग्राफिक्स एंड द बिटमैप ग्राफिक्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।